पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बियर ग्रिल्स ने यूपी के इस जिले में की थी मैन वर्सेज वाइल्ड की शूटिंग। सोशल मीडिया पर डिस्कवरी चैनल का एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 12 अगस्त को रात्रि 9 बजे शो प्रसारित होगा। चैनल द्वारा बनाई गए मैन वर्सेज वाइल्ड के सीरियल में प्रधानमंत्री मोदी बियर ग्रिल्स के साथ नजर आएंगे। इस वीडियो की खास बात यह भी है कि इस वाइल्ड लाइफ शो की शूटिंग के लिए यूपी को चुना गया। जी हाँ, इस वाइल्ड लाइफ फिल्म की शूटिंग यूपी के बिजनौर जनपद के कालागढ़ व कॉर्बेट पार्क में की गई है। वीडियो में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व वाइल्ड लाइफ दृश्यों को देखकर क्षेत्र की जनता रोमांचित है। शो के ट्रेलर में दिखाई जा रही रामगंगा नदी, कॉर्बेट के जंगल व भिकावाला से कार में जाते पीएम मोदी को लेकर भारी उत्साह है। वन्य जीव संरक्षण को लेकर तैयार की गए इस शो से कॉर्बेट पार्क, कालागढ़ व जनपद बिजनौर का गौरव बढ़ गया है। पीएम मोदी पहली बार 14 फरवरी को कालागढ़ आए थे। जनपद बिजनौर के भिकावाला स्थित सेंट मेरीज इंटर कॉलेज प्रांगण में बने हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरकर कुछ लम्हे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां गुजारे। इसके बाद साथ आए अधिकारियों और डिस्कवरी चैनल के पदाधिकारियों से बातचीत की। प्रशासन ने उस समय पीएम के दौरे को पूरी तरह से निजी बताते हुए मीडिया को न तो कॉलेज के अंदर ही जाने दिया और न ही रामगंगा बांध पर जाने दिया। भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी भिकावाला के इंटर कॉलेज से पुराना कालागढ़ होकर रामगंगा बांध से कॉर्बेट पार्क के लिए बोट से रवाना हो गए थे। इस दौरान रामगंगा बांध के जलाशय व कॉर्बेट पार्क में मूवी को शूट किया गया प्रतीत हो रहा है। ट्रेलर में दिखाए जा रहे दृश्यों को लेकर जनता में रोमांच है। जो दृश्य यहां के आम नागरिक देखते आए हैं वे देश के पीएम के साथ 12 अगस्त को टीवी पर आने वाले हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पीएम मोदी के कदम कालागढ़ के लिए एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जो इसे अमर कर जाएंगे। उनका दौरा जनपद बिजनौर के लिए गौरव का विषय होगा।